नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थानी और गुजराती डिश, मेथी के गोटे। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये है, एक कटोरी मैंने मूंग की दाल ली है। मैंने मूंग की, देखिए, छिलके वाली ली है, आप बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। ये देखिए, एक कटोरी मैंने मेथी धो के बारीक बारीक काट ली है। इसकी मैंने छोटी छोटी डंडियां रहने दी हैं, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। ये है आधा से पौन कटोरी के बीच धनिया पत्ती। ये देखिए इसमें क्या क्या लिया है मैंने। ये है एक चम्मच सौंफ, पांच मैंने काली मिर्च ली है और एक चम्मच साबुत धनिया। आप काली मिर्च थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, ये एक अपने अपनी पसंद की बात होती है, जैसे आपको कितनी पसंद है। ये देखिए, एक हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली है। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च ली है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ग्रेट कर लिया है और एक हरी मिर्च इसमें काट ली है। ये है हींग, लाल मिर्च, नमक। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से धो के भिगो लेंगे और फिर ये कम से कम 4-5 घंटे भिगोएंगे। और उसके बाद हमें, देखिए, मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने 4-5 घंटे भिगो लिया है। अदरक और हरी मिर्च इसमें डालेंगे। इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे और अब हम इसे मिक्सी में डाल के पीसेंगे। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है, आप कोशिश कीजिए कि बिना पानी के ही पीसने की। अब हम इसमें, देखिए, धनिया पत्ती डालेंगे, मेथी डालेंगे, नमक हम पीसते समय एक चम्मच डाल चुके हैं, अभी आधा चम्मच और डाल लेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हम हींग डालेंगे, ये हरी मिर्च कटी हुई, और ये देखिए मैंने जो सौंफ, काली मिर्च और खड़ा धनिया लिया है, इसको हल्का सा हम इसमें कूटेंगे, थोड़ा सा बस। इससे बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए, अब इसमें हम ये मिलाएंगे और हम इसे अब मिलाएंगे। ये बैटर मुझे थोड़ा पतला लग रहा है गोटे बनाने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाऊंगी। ये देखिए, मेथी के गोटे बेसन के भी बनाए जाते हैं। बेसन के, धुली मूंग के, मैंने छिलके वाली मूंग के बनाए हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अब ठीक हो गई है। अब हम इसके गोटे उतारेंगे, अब तलेंगे। देखिए, मेथी के गोटे तलने के लिए हमने तेल चढ़ा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे कि ये हो गया कि नहीं। अब हम हाथ में थोड़ा ऐसा पानी लगा लेंगे और इसके गोल गोल ऐसे गोटे बना के इसमें डालेंगे। मैंने करीब एक कटोरी मैंने दाल ली थी, जो फूल के समझ लीजिए पिस के एक से ज्यादा हो गई थी, करीब डेढ़, और उसमें मैंने करीब आधा कटोरी बेसन डाला है और एक कटोरी मैंने मेथी ली है। यह आपके स्वाद पे है, अगर आपको मेथी की मात्रा कम पसंद है तो आप कम भी रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे गोल गोल बना के इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक
प्लेट में ऐसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, और ऐसे ही बाकी गोटे भी तल लेती हूँ। देखिए, ये देखिए ये हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में ऐसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, और ऐसे ही बाकी गोटे भी तल लेती हूँ। तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म मेथी के गोटे। इसे आप इवनिंग स्नैक के रूप में या स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। आप भी इसे घर में बनाइए, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।